नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद फरुखाबाद रेलवे के लोको पायलट ने प्रेम प्रसंग के चलते शिवांगी की थी हत्या। पुलिस ने एक सहायक लोको पायलट व उसके साथी को किया गिरफ्तार। जानकारी के मुताबिक एक साल से मृतक युवती के लोको पायलट से प्रेम संबंध थे और उसके पास उसका आना जाना था, लेकिन जब प्रेमिका ने प्रेमी पर शादी का दबाव बनाया तो उसने उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद लोको पायलट ने पूरी घटना की जानकारी अपने पिता को दी, जिसके बाद पिता व उसके मामा ने मृतक युवती को थाना जहानगंज क्षेत्र से सड़क किनारे फेंक दिया। युवती के अज्ञात शव की जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस को जानकारी से पता चला कि युवती थाना नवाबगंज क्षेत्र की निवासी है और युवती के अपहरण का मुकदमा भी एक दिन पूर्व ही दर्ज किया गया था। हत्या की घटना के बाद आरोपियों ने मारुति वैन की मदद से मृतक युवती का शव जहानगंज तक पहुंचाया और फेंककर फरार हो गए। फरुखाबाद से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। सर, फरुखाबाद में एक युवती की हत्या हो गई थी, पहले तो वो अज्ञात लाश थी, बाद में युवती की शिनाख्त हो गई, क्या पूरा हत्या का मसला था, किस वजह से इसकी हत्या की गई? दिनांक 17 सितंबर को थाना नवाबगंज के अंतर्गत शिवांगी नाम की जो लड़की है उसके संबंध में, उसके अपहरण के संबंध में उनके फादर के द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर वहाँ पर 228/21 धारा 366 में मुकदमा दर्ज किया गया था। उसी दिन में करीब 2:30 बजे एक लड़की की डेड बॉडी थाना जानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिली थी। बाद में उसकी शिनाख्त जो थाना नवाबगंज क्षेत्र के अंतर्गत जिस लड़की के संबंध में अपहरण का मुकदमा लिखा गया था उसके संबंध में उसके घर वालों द्वारा की गई। उसके बाद इसमें धारा 302 और 201 की बढ़ोतरी की गई, साथ ही साथ 4 टीमों का गठन किया गया इसके जल्द से जल्द खुलासे के लिए। तो जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसमें ये सारी चीज़ें सामने आई कि लड़की 16 तारीख को ही अपने घर से अपने घर वालों को कोचिंग जाने के नाम से कहकर निकली थी और उसके बाद जब 17 तारीख को भी वापस घर पे नहीं आई, उसके बाद उनके घर वालों द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसके आधार पर उसमें FIR दर्ज हुई थी और बाद में उस जो जानगंज के अंतर्गत डेड बॉडी मिली थी लड़की की, उसकी पहचान उससे हुई, शिवांगी नाम की लड़की जो कि नवाबगंज की रहने वाली थी। इसमें ये भी बात प्रकाश में आई थी कि जो लड़की उसकी बात एक अश्विनी कुमार वर्मा पुत्र रामलाल वर्मा जो कि तालग्राम जनपद कन्नौज के रहने वाले हैं और वो यहाँ पर इंडियन रेलवे में लोको पायलट का काम करते हैं, उसके साथ इसकी बात